अभी जो मेरे सामने बीपी बुक वाला होगा वो बीपी वाला होगा यही होगा इससे देखो क्या है ये ऊपर देखो ना जी सर ये सर इसको एडिट करें तो इसका देखिए कितने आपको पास हाँ यही वाले हैं नसीब में वापस आ गए अंदर इसमें रैंडम भी यहाँ से डेटा इंसर्ट कर दीजिए सेव कर दीजिए ऐड करना आप तीन चार और रिकॉर्ड ऐड करें फिर हम इसके ऊपर देखते हैं कि मतलब ग्रो करता है कि नहीं करता ठीक है फिर ड्राइंग को हम लिमिट करके पेजिंग में कन्वर्ट करते हैं ठीक है प्रियो डालता हूँ दरअसल में कोई पेज लोड के साथ रिफ्रेश नहीं हुआ ये भी हमने इश्यू फिक्स किया था शुरू में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जरा अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज है इसको अगर ब्रेक करें यहाँ पर ब्रेक ब्रेक फोर प्रॉपर्टीज से भी अच्छा इस ग्रिड में प्रॉपर्टीज जो हम कहते हैं अलाउ पेजिंग के ऊपर ऐसा है किस तरह की प्रॉपर्टी सबसे ऊपर अलाउ पेजिंग ठीक है ये देख लें अलाउ पेजिंग बाय डिफॉल्ट फॉल्स है हम अलाउ पेजिंग को ट्रू कर देते हैं ठीक है अच्छा इसको करें ट्रू अच्छा अब बेसिकली जैसे अलाउ पेजिंग हमने किया तो ऑटोमेटिकली देखिए पेज नंबर डिस्प्ले आ गया ठीक है दूसरी बात ये कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें पेज साइज भी इंप्रूव हो गया सर नहीं वो ग्रिड सेलेक्ट है वो ग्रिड सेलेक्ट है आओ अब नीचे स्क्रॉल करें सर मैं समझ नहीं सकता पेज साइज ऐसा कुछ होगा ठीक है ठीक है ये पेज साइज थोड़ा ऊपर गए बाकी भी कर रहा है पेज साइज देखिए बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा है ठीक है हम इसको कर देते हैं 4 ताकि हमारे 4 से ज्यादा रिकॉर्ड हो तो नेक्स्ट पेज बने अब ओके करें सर ठीक है अब ये 4 के बाद नेक्स्ट पे हमारा रिकॉर्ड जाए हम कुछ नहीं करते पहले देखते हैं कि सिर्फ हमने पेजिंग अलाउ किया और पेज साइज सेट किया देखते हैं कि यहां क्या इशू क्रिएट करते हैं चलिए इसको रन करें ऑब्वियसली बात है हमें कहीं पेज इंडेक्स चेंज का कोई इवेंट हैंडल करना पड़ेगा तो इवेंट इसका जनरेट होगा तो हम उसको हैंडल करेंगे देखते हैं कौन सा इवेंट है स्पेस अब देखिए सारे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा रिकॉर्ड हमें सिर्फ चार दिखा रहे थे बाकी हमें एंड की नजर नहीं आ रही देखते हैं वो बाकी हमें गए कि नहीं चेंज पर क्लिक करके ऐड कर रहे हैं अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये वाला ग्रिड है जो हमने क्लिक किया पेज नंबर पे ये एक इवेंट फायर करते हैं और इवेंट का नाम है पेज इंडेक्स चेंजिंग which was not needed exactly वही है जैसा edit delete update हम करते हैं इसका मतलब है कि हमें एक event याद रखना page index changing पर जैसे भी किसी page number पर click करेंगे तो page index changing का event generate होगा ठीक है हाँ इस पे इसको stop करें अच्छा अब इसकी events में कैसे चलते हैं कोई बता सकता है event में कैसे चलते हैं किसी भी control के events पे कैसे जाएंगे डबल क्लिक पर बाय डिफॉल्ट क्लिक के इवेंट पे या डबल क्लिक पे या माउस ऑन एक इवेंट पे जाता है इवेंट की लिस्ट पे जाता है बहुत सारे लिखने के लिए इसको क्लिक करें प्रॉपर्टीज ठीक है सही कहा आपने स्पार्क हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर दो टाइप से बने होते हैं लॉजिकल से अगर इस पर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज आ जाती है सारी क्लिक करें बाहर ये ए टू जी का मतलब सॉर्टेड बाय अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अल्फाबेटिक सॉर्टिंग में आपको सारे इवेंट्स नजर आ जाएंगे इवेंट का मतलब ये है कि इस पर माउस मूव होगा मिनट ग्रो होगा ठीक है इसी तरह इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं जिस तरह डिलीट है एडिट है कैंसिल है ये सारे इवेंट्स कोई है यहां पर जो नजर आ जाएगा हमने इवेंट कौन सा लिखना है क्योंकि आपने इस पर डबल क्लिक किया तो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज आ गया हालांकि हमें यही चाहिए इसी प्रॉपर्टीज में दोबारा आए और देखिए वो जो पेज इंडेक्स चेंजिंग वाला है पेज इंडेक्स चेंजिंग
ये पेज एड्रेस चेंज है, ये बात। अगर किसी इवेंट के लिए हमने फंक्शन जनरेट किया है तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे, इस पर डबल क्लिक करें ऑटोमेटिकली इस इवेंट के नाम से एक फंक्शन बन जाएगा। अब हमने असल में इसमें कोड लिखना है कि पेज एड्रेस चेंज पे हमें करना क्या, हमें ये नहीं करना कि अच्छा डेटा में से पहले चार इग्नोर करके नेक्स्ट चार की क्यूरी लगाओ, नहीं सही है, हमें ये पहले से फैसिलिटेट करता है। इसमें अगर आप सेकंड इससे इवेंट देखिए, ये वाला जो सेकंड पैरामीटर आ रहा है ई वाला, इससे आगे का स्क्रॉल नहीं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, राइट स्क्रॉल करें, ये जो ई आ रहा है ये हमें बता रहा होगा पेज के बारे में इंफॉर्मेशन, इधर देखिए जरा नीचे इसके अंदर कुछ लिखें ई डॉट करें और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करें पहले और फिर ई डॉट करें आगे पीछे और भी नजर आ, अब डॉट ट्राई करिए देखिए हमारे पास एक ऑप्शन इसमें एक प्रॉपर्टी आ रही है जिसका नाम है न्यू पेज इंडेक्स, ये हमें वो पेज नंबर देगा, मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो न्यू पेज इंडेक्स में 2 आएगा, जब 1 पे वहां क्लिक करूंगा तो इसमें 1 आएगा, मतलब ये जो बेसिकली वेरिएबल है ये मुझे बता रहा है कि यूजर ने किस पेज नंबर पे क्लिक किया है, तो इससे मुझे कोई उसके लिए लॉजिक की जरूरत नहीं। अभी मैं कुछ नहीं करता इसके अंदर, जस्ट मैंने इवेंट के लिए फंक्शन लिखे, फंक्शन के अंदर करता कुछ नहीं, ठीक है इसको खत्म कर दें, देखते हैं कि इससे क्या होता है, एरर खत्म हो जाएगा क्या, कोई काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, एप्लीकेशन दोबारा रन करें। उसी पे चले इस पे आ सकता है, अच्छा आप पेज टू पे क्लिक करें, देखिए क्लिक हुआ है सर्वर पे भी किया है वो, ठीक है माउस हटाए सर, लेकिन देखिए चेंज नहीं हुआ अभी तक, 1 पे ही है, दोबारा क्लिक करें इसको और गौर करें और देखिए पेज रिफ्रेश हो जाता है, ये सर्वर पे जा रहा है, इसका मतलब है कि क्लिक का इवेंट अब सही काम कर रहा है, उसी फंक्शन में जा रहा है, लेकिन हमने कोड नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपने उसमें जाके कुछ कोड लिखते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करें ताकि याद रहे आप लोगों को, ठीक है बंद को मैं नहीं कर पा रहा, कोड में आए सर, कोड में हम लिखेंगे ये ग्रिड का नाम है ग्रिडव्यू 1 डॉट, देखिए इसमें क्या है करंट पेज इंडेक्स है या पेज इंडेक्स, लेकिन पेज इंडेक्स, इस पेज इंडेक्स को क्लिक करें और इसको इक्वल टू वो नया पेज असाइन करें, इक्वल टू ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स। चलिए अब सिर्फ हमने ग्रिड को नया पेज दे दिया और कुछ नहीं किया, देखते हैं कि इससे क्या होता है, ठीक है चलिए अब दोबारा चलें, आपको पे क्लिक करें, अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं ठीक है तो फिर दोबारा क्लिक करें, हाँ असल में मेरे ख्याल में आपने जो पेज बाइंड किया ना ग्रिड बाइंडिंग, ग्रिड बाइंडिंग पेज रोड पे नहीं की, कहीं पे और की है या पोस्ट बैक पे की, आए सर जी सर ये प्रॉपर ऊपर है, हाँ पेज रोड का कोड है आते जाएगा, अच्छा ये पोस्ट बैक पे है, जब भी पेज इंडेक्स चेंज करते हैं तो हमें बेसिकली ग्रिड को दोबारा बाइंड करवाना पड़ता है, बाइंड से करा देंगे वो दोबारा रिफ्रेश होगा और ग्रिड उस पेज का एड्रेस वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट बैक की जो इवेंट लगा हुआ है इसका मतलब ये कि ये पहली दफा काम कर रहा है, दोबारा जब आप दोबारा जाते हैं तो पोस्ट बैक ट्रू होता है, ट्रू में नॉट फॉल्स, तो इसलिए यहाँ दोबारा आ नहीं रहा होता, ठीक है। हम ये करते हैं, हमने इसलिए लगाया था कि वो जो एडिट और डिलीट और उन कामों की वजह से हमें ये लगा था, ठीक है। अब ये करते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसमें इस लाइन को कॉपी करें और जो पेज इंडेक्स पे किया था ना उस पे जाके पेस्ट कर दें, उसके बाद नहीं इसी लिए नीचे नीचे हो गया नीचे आते हैं नीचे सबसे आखिर में ये इसके बाद सेकंड लाइन ले लें पेस्ट कर दें, चलिए अब दोबारा चलाएं देखिए कुछ हल तो होता है कि नहीं,
ठीक है, अब वन पर दोबारा क्लिक करें, हजार वॉल्यूम कर दें आप इस स्क्रीन पर, स्टार्ट करें तो फिर कौन वेस्ट करके चला दो, इसमें कोई पास और ऑप्शन ना था ये पास है। बेसिकली ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको देखने के लिए देखने के आगे हम टेम्पलेट ही करते हैं। यूआई में दोबारा है इंटरफेस, ये जो ग्रिड कंट्रोल है ना, बेसिकली जब भी हम इसका पेजिंग वाला कांसेप्ट अलाउ नहीं करते ना ऑन, तो बाय डिफॉल्ट समझे कि पेज नंबर 1 पेज इंडेक्स 1 मतलब एक पेज है, ठीक है। तो जो ग्रिड कंट्रोल है इसकी प्रॉपर्टी है इसका नाम है पेज इंडेक्स, सो पेज नंबर 1 या 0 जो भी इंडेक्स नंबर है, ठीक है, और सारा डाटा उसी पेज पे नजर आता है। जब हम अलाउ पेजिंग करते हैं तो अलाउ पेजिंग में ऑटोमेटिकली आपको पेजिंग का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा देता है इसके फुटर पे आ रहे हैं। दूसरी ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस भी आपको कैलकुलेट करना है कि जितने रिकॉर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग पेज साइज भी आप मेंशन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेज पेजेस खुद बना देते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारा है कि जब हम किसी पेज पे क्लिक करते हैं तो एज ए यूजर जब हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब कोई इवेंट फायर होता है, उस इवेंट के लिए कोई हैंडलर नीड्स टू फंक्शन मेंशन करवाते हैं। अब उस फंक्शन में हमें ये उसको बताना पड़ता है कि ग्रिड की जो बाय डिफॉल्ट पेज नंबर है 0 या 1 जो भी है उसको चेंज करना होता है। तो हम दो चीजें उसे बताते हैं, ग्रिड को कहते हैं कि अब आप जब डेटा आपको मैं दूंगा तो आपने डेटा लोड करा है तो पेज नंबर 2 को शो करना है, ठीक है। तो ग्रिड को मैं पहले पेज नंबर बताऊंगा कि ये पेज नंबर सेट कर लो अपने पास, और फिर ग्रिड को कहता हूँ कि आप डेटा पॉपुलेट करो दोबारा, सही है। तो इसका क्रैश कोड में है, जब आपने कोड में अगर ये फंक्शन मैं नहीं लिखता तो पेज नंबर तो चेंज हो रहा होगा लेकिन डेटा पॉपुलेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ग्रिड को पहले कहा कि आप अपना पेज इंडेक्स नंबर चेंज कर लो, न्यू का मतलब है कि यूजर जिस पे क्लिक करेगा वो नया पेज आने लगा, अगर मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो उससे पहले 1 पर होगा और न्यू में 2 होगा। फिर क्लिक के बाद ये वाला फंक्शन कॉल होता है, जैसे क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा पेज इंडेक्स चेंज वाला, और इसमें जो पेज नंबर है न्यू पेज इंडेक्स नंबर ये बेसिकली उसी को लेकर आ रहा है जिसमें हमने क्लिक किया, और ये हम ग्रिड को कह देते हैं कि भाई आप डेटा पॉपुलेट करने से पहले ये पेज नंबर अपने पास फिक्स कर लो, और जब आप उसे पॉपुलेट करवाते हैं इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ ग्रिड का डेटा स्टोर देते हैं तो ग्रिड डेटा स्टोर उसका सारा डेटा शो नहीं करता बल्कि पार्ट ऑफ डेटा शो कर रहा है। अब इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, देखिए अगर सपोज करें हमारे पास डेटा बेस में बहुत सारा डेटा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं 1 मिलियन रिकॉर्ड है, एक तो सेलेक्ट की हुई 1 मिलियन रिकॉर्ड को लोड करने में सपोज आपके पास अगर सिंपल सी मशीन है नॉर्मल सी मशीन तो 15-20 सेकंड ले लेगी क्यूरी एग्जीक्यूट करने में, अगर आपने सर्च क्वेरी की और उस क्वेरी के अंदर कोई कॉलम भी भेज रहा है हो सकता है वो 2-3 मिनट ले, अगर कॉलम के अंदर कोई इमेज भी लोड हो रहा है बाइनरी इमेज है हो सकता है वो 5-6 मिनट ले, इसका मतलब पहले हम अपनी क्यूरी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर ली और फिर मैंने क्यूरी निकाली 10 सेकंड में क्यूरी चल जाती है 1 मिलियन रिकॉर्ड भी आते मतलब 10 लाख रिकॉर्ड। अब जब 10 लाख रिकॉर्ड में ग्रिड को दूंगा तो ग्रिड का पेज जो है बेसिकली रेंडर होता है, मतलब उसके भी डिस्प्ले होने है कहीं पर, उसका भी तो एचटीएमएल जनरेट होने पूरा, और एचटीएमएल ग्रिड के अगेंस्ट अक्सर ये होता है कि टेबल की भी पीआर करते हैं वो भी तो एक पूरा लुक चलेगा और पूरा डाटा बनेगा और फिर वो भी मतलब ब्राउजर पे शो भी होगा, तो अगेन वो भी एक ओवरहेड है, ये तो क्यूरी भी ओवरहेड है ना, ये दूसरा जितना डाटा आप ज्यादा शो करते हैं वो भी अगेन एक ओवरहेड है। जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है तो ये मतलब विजुअल स्टूडियो के तकरीबन मेरे ख्याल में जब 6 से पहले के जो वर्जन थे इनमें एक कॉन्सेप्ट आया था,
और डेस्कटॉप एप्लीकेशन आती थी उसको कहते थे डॉक्यूमेंट व्यू मॉडल या आर्किटेक्चर, उसमें भी यही होता था कि पूरे डॉक्यूमेंट को जितना आपने शो करना है उसको उतना व्यू दिखाएंगे यूजर को, बाकी स्क्रॉल पे उस पर रिफ्रेश करें। आप देखें तो गूगल इमेजेस भी यही काम करते हैं, जब आप इमेजेस सर्च करते हैं जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं वो नेक्स्ट इमेजेस लोड करते हैं, पहले से लोड करके नहीं लिखा, मतलब यूजर जो जो जैसे जैसे व्यू डाउन करता जाता है वो उसी टाइम ऑन डिमांड फीचर उसकी बैकएंड में क्यों चल रही है लोड करता जा रहा है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि हम उतना डाटा सिर्फ रेंडर करें या शो करें पेज के ऊपर जितना हमने यूजर जितना यूजर हजम कर सकता है या व्यू में जितना यूजर को नजर आ सकता है, उससे ये कि परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की बेटर हो जाए। तो पेजिंग इस से मेटर इस पर सही है, तो हो सकता है किसी के जेब में आ रहा होगा कि यार रिकॉर्ड तो सारे सारे लोड हो रहे हैं का परफॉर्मेंस टाइम वही है लेकिन जो व्यू हो रहे हैं डाटा या रिकॉर्ड रेंडरिंग टाइम एटलीस्ट रिड्यूस हो जाता है। पेजिंग का कांसेप्ट हम क्यूरी के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्यूरी के अंदर भी हम पेजिंग डाल सकते हैं, तो फिर पहले पेन रिकॉर्ड ले हो या पहले पेन स्किप करके अगले पेन ले हो अपनी क्यूरी को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करें तो क्यूरी लेवल पे भी कर सकते हैं और अपने लेआउट लेवल पे मतलब अपने जो इंटरफेस लेवल पे भी कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इंटरफेस लेवल पे अभी क्यूरी लेवल पे ही किया, क्यूरी सारे के सारे रिकॉर्ड ही लेकर आ रही है लेकिन हम शो सिर्फ यूजर को नहीं करते हैं जितने हमने अपने ग्रिड को रिस्ट्रिक्ट किए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स। ठीक है, ठीक है, पोस्ट बैक का मतलब क्या है इस फॉर्म पे दोबारा है और पेज को रन करें, आप ब्राउजर में लिखते हैं डेटाबेस फॉर्म डॉट एएसपीएक्स और एंटर प्रेस करते हैं तो ये जो फॉर्म है ये किसी डेटाबेस सर्वर पे पड़ा होगा, उस सर्वर से सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है आपकी उस पेज की, वो सर्वर उस पेज को देखता है उस पेज को कंपाइल करता है उसकी एचटीएमएल जनरेट करता है और आपके ब्राउजर को वापस सेंड कर देता है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस है ना, रिक्वेस्ट भेजा और फिर वापस है। ये फील्ड वैसे मैंने पढ़ाई नहीं किसी ने इसको देख लिया, जब ये रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम जाती है आपके सर्वर पर फर्स्ट टाइम ये रिक्वेस्ट जा रहा है तो फर्स्ट टाइम का मतलब ये कि ये एज अ फ्रेश रिक्वेस्ट जाता है तो एक पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास हर पेज के ऊपर। पोस्ट बैक का मतलब ये कि क्या ये किसी कंट्रोल के क्लिक से आया, मसलन मैं बटन क्लिक भी करूंगा तो भी ये फॉर्म सर्वर पे जाएगा, मतलब ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए सर्वर पे जाएगा तो क्या बटन क्लिक से जा रहा है, पेज नंबर के क्लिक से जा रहा है सर्वर पर वापस, तो एक पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी है वो इन चीजों को हैंडल कर रही है। जब आप यूआरएल से क्लिक करते हैं तो पोस्ट बैक जो प्रॉपर्टी होती है वो बॉल्स के साथ आ रही है, मतलब ये पेज बेसिकली पोस्ट बैक नहीं हो रहा, ये फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है पेज। अब पेज लोड हो चुका है लेकिन अगर मैं बटन क्लिक करता हूँ इस पे तो ये पेज दोबारा मैं वापस सर्वर के पास भेज रहा हूँ। आपने देखिए कभी सोचा कि अगर मैं यहाँ पर इसको लोड नहीं करता टेक्स्ट बॉक्स में डाटा दे लेता हूँ और सर्वर पे जाता है वापस आता है तब भी पड़ा होता है, कहाँ पड़ा होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का पता थोड़ा सा तो पता होगा ना कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ये अपने स्टेट मेंटेन नहीं करता। अभी हम यही काम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है कि आप डाटा स्टोर भी कर रहे होंगे लेकिन स्टोर नहीं हो रहा लॉस कर रहा हूँ डाटा तो उसके लिए टेक्निक से फिर तो जब आप यहाँ से बटन क्लिक करते हैं और ये वाले इंफॉर्मेशन साथ आप दोबारा क्लाइंट सर्वर के पास भेज रहा होता है, ठीक है तो हम कहते हैं कि ये जो डाटा पड़ा हुआ है ये किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट भी ये कर सकते हैं, ठीक है तो इस केस में पोस्ट बैक जो है वो ट्रू होता है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ तो इस केस में पोस्ट बैक क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब आप बेसिकली पेज पोस्ट बैक हो रहा है, पोस्ट का मतलब ये कि आप कहीं भेज रहे हैं जैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, ठीक है और बैक का मतलब ये बेसिकली यही पेज पहले आ चुका और ये वापस पोस्ट हो गया जब हमने कोई ऐसा काम करना है जो फर्स्ट टाइम पेज लोड हो सिर्फ एक ही दफा हो बटन क्लिक के पीछे ना हो इसके पीछे ना हो तो फिर हम पेज लोड के अंदर पोस्ट बैक की कंडीशन लगा के काम करें, समझ आई आपको, ठीक है तो सिर्फ वन टाइम की एक्टिविटी है। अच्छा बाइंडिंग इस ग्रिड की बाइंडिंग को अलग चीज है, बाइंडिंग का मतलब है कि मैं कहता हूं पेज जैसे लोड हो तो इसके ऊपर डाटा पॉपुलेट हो जाए तो वो तो पोस्ट बैक वाला काम की कांसेप्ट है ना, वो ओवरऑल पेज के ऊपर काम करता है। बाइंडिंग को हर कंट्रोल की होती है, मैं कहता हूं इस कंट्रोल को बाइंड कर दो किसी से मतलब किसी से अटैच कर दो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। तो मैंने इस ग्रिड के हर कॉलम को बाइंड किया हुआ है डेटाबेस के किसी टेबल के स्पेसिफिक कॉलम से,
That is called binding. कर सकते हैं मैं वहां पे ये जो टेबल्स हैं इनको भी डेटा डिस्क्रिप्ट किसी रिकॉर्ड से कॉलम से हम कर सकते हैं स्लोर से भी कर सकते हैं रन टाइम पे मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन अभी तो हम बिल्कुल बिगिनर्स के लेवल पे हैं इसलिए हमने हार्ड कोड कर लिया कि नहीं ये स्टूडेंट से टेबल से या बुक के टेबल से डेटा लेना है ठीक है अच्छा नेक्स्ट हमारा बेसिकली टेम्पलेट कॉलम का मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करवा देता हूं नेक्स्ट पर काम कर लेंगे आइए सर इसको स्टॉप करें वो फॉर्म हमारा दिखाएं सर ब्राउजर पे जाएं ब्राउजर ब्राउजर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास जो बुक का ये ऐसे ना है थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ये मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा मैं कहता हूं ग्रिड ऐसे बना हुआ है और ये आईडी गायब हो जाए मुझे इसकी नहीं चाहिए यहां पर बुक का नाम आ जाए डी एन बी 5 और थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में आ जाए बड़ा आ जाए और यहां पर पब्लिशर का नाम आ रहा है एम एम 21 इटैलिक फॉर्म में और इसमें इस बुक के आगे प्राइस भी है तो प्राइस भी यहीं पर मेरे पास आ रही बुक के साथ स्लैश प्राइस पर से $15.5 और देखिए मैं डेटा को फॉर्म प्राइस नहीं दिखाना चाह रहा मैं कहता हूं कि बाद में जब मेरे बुक के कोई पिक्चर होगी तो यहां पिक्चर भी आ जाएगी तो यहां पिक्चर होगी या बुक का टाइटल होगा यहां ऑथर होगा यहां बुक की प्राइस होगी अब ये पूरा का पूरा एक असल में एक सेल है जैसा ये एक सेल मैं सेल के अंदर एक टेक्स्ट नहीं बल्कि मल्टीपल डाटा पॉपुलेट करवाना चाह रहा हूं अपनी मर्जी का बाद में हो सकता है कि यहां पर इस पब्लिशर के नाम के साथ इस बुक ये बुक यहां पर सेल हो रही है जिस वेबसाइट पे उस वेबसाइट का यूआरएल की मैं याद दे दूं हो सकता है जैसे Amazon के ऊपर ये पानी जगह पर सेल हो रही है मैं क्लिक करूं तो उस साइट पे चला जाए अब ये जो मैं कॉलम बनाना चाह रहा हूं ये कस्टमाइज है मेरी अपनी डिश के ऊपर मैं अरेंज करना चाह रहा हूं तो ग्रिड आपको ये भी फैसिलिटेट करता है ठीक है उसको कहते हैं टेम्पलेट कॉलम तो दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट कॉलम टेम्पलेट क्यों है कि मैं अपनी मर्जी से लेआउट डिफाइन कर रहा हूं इसमें यहां पर मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता यहां पर जितना भी डाटा बदलेगा या तो वो लिंक सिंपल नजर आ सकता है जिस तरह ये आ रहा है या कोई सिंपल इमेज नजर आ सकता है लेकिन एक ही सेल के अंदर सारे मर्ज नहीं कर सकते सही है पूरी रो मतलब मैं सारा डाटा को लेकिन मैं बाद में एडिट और डिलीट भी यहां डाल दूंगा मैं कहता यहां पर डिलीट करके जा रहा है और यहां पर तो एडिट टाइप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर रहा हूं चीजों को ताकि थोड़ी सी मतलब उसकी आप समझ लीजिए फॉर्मेटिंग कर रहा हूं ऐसा जितना वो बटन बोर्ड पे जाकर कर जट वो पूरा एक पेज शो होता है उसका नंबर भी दिया होता है यस पिक्चर और इस तरह से चीजें आ रही तो दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट कॉलम तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है टेम्पलेट कॉलम की इसी ग्रिड का है जो डिजाइन है और इसके जो स्मार्ट है जैसे क्लिक करें और एडिट कॉलम इसमें जाएं ये जो हमने पहले कॉलम इंट्रोड्यूस करवाए थे ये बाइनरी कॉलम थे ये सिंपल डायरेक्टेड बाइनरी कॉलम थे इसके अंदर हमारे पास इमेज भी है हाइपरलिंक भी है बटन भी है जिस पर हमने बात की लेकिन वो अलग अलग बनते जाए एक और है हमारे पास जिसका नाम है टेम्पलेट कॉलम ठीक है इसको सेलेक्ट करें टेम्पलेट कॉलम ये टेम्पलेट और इसको ऐड कर दें ये टेम्पलेट फील्ड है सर हां टेम्पलेट कॉलम में भी लेके बात फील्ड कॉलम ही होती है बाइंडेड फील्ड भी एक कॉलम है मतलब ये बाइंडेड फील्ड है जो कॉलम है मतलब सर जब हम टेम्पलेट फील्ड या टेम्पलेट कॉलम करते हैं और जस्ट यहां से इसको कॉपी कर दें ठीक है अब यहां पर ये हम यहां पर नजर तब आएगा जब हम इसको एडिट करेंगे देखिए किस तरह एडिट कॉलम है नीचे एडिट टेम्पलेट की एक ऑप्शन आती है एडिट टेम्पलेट है अब ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे ड्रॉप डाउन में बता रहा हूं कि कौन सा करना है देखिए हमारे पास एक ही है तो कॉलम 1 के ऊपर एडिट टेम्पलेट आ रहा है ना ये वाला एरिया इसे क्लिक करें जरा इसे हम क्लिक करें ये अब ये समझे कि आपका पूरा जिस तरह वेब पेज का छोटा सा पार्ट नहीं होता ये वो है अपनी मर्जी के यहां पर टूल में से आएंगे टूल बॉक्स और उसको क्लिक करें अच्छा यहां से कोई लेवल ड्रॉप कर दें बटन भी ड्रॉप कर दें चेकबॉक्स भी ड्रॉप कर दें जो मर्जी आप करो पेज पर कोई ड्रॉप लिंक सामने से नजर आ रहा है लेबल कर लें अच्छा तो चेकबॉक्स कर लें बटन भी कर लें चलें कोई और भी दो तीन कंट्रोल कर लें टेक्स्ट बॉक्स कर लें ठीक है चेकबॉक्स कर ठीक है चेकबॉक्स अब ये देखिए अब इसका लेआउट ठीक नहीं है मैं डिप वगैरह या टेबल पे लाके इसका लेआउट सेट कर सकता हूं ठीक है अच्छा यहां पर इसको चेक करें सही हां इससे आ जाए
और इसको करते हैं एंड कंटेंट ऑफ एंड कर। ठीक है, अब ये देखिए ये जो मेरा कंट्रोल भर गया ना ये वाला, अब देखिए इसके अंदर ही सारी चीजें आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी फॉर्मेट करूं, मैं लेबल को ओपन कर दूं, बटन को इधर कर दूं, चेकबॉक्स को ओपन कर दूं, ये तो सिंपल एचटीएमएल है, इसमें डिप लगा के और आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है। लेकिन मेन मकसद ये कि बेसिकली मैं एक ऐसा कॉलम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक ऐसी फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसमें मैं अपनी मर्जी से लेआउट सेट कर रहा हूं। अब मैं इस लेबल को अटैच कर सकता हूं कि ये जो कॉलम है बुक का नाम आ रहा है, वो बुक का नाम इधर आ जाए, अगेन ये मैं कर सकता हूं। ठीक है, यहां से वैल्यू को ट्रू कौन सा है कि बुक सेल होगी या नहीं हुई, बस ऐसे कोई हमारे पास ऑप्शन है, मैं चेकबॉक्स को टिक या अनटिक कर दूंगा। तो जितने भी फील्ड्स हैं मैं इनको बाइंड कर सकता हूं, इसको मैं बाइंडेड कॉलम्स। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं। अगेन दिस इज वेरी सिंपल, इसके होते हुए ये बहुत सिंपल है, मतलब बहुत माइनर कोडिंग हमें करनी है, सही, जस्ट प्रॉपर्टीज सेट करेंगे और ये काम हो जाएगा। सही, गुड क्वेश्चन है। सही, और क्वेश्चन दिया कि जो प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन वहां पे लिंक दिया था खुद हमारे उसमें इसलिए भी होता है कि आप टेबल TDTR खुद जनरेट जो कर रहे होते हैं और उसमें आप वो सेलेक्ट की क्यूरी उतनी लेकर आते हैं उतना वो कॉलम टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइड वो खुद कर रहे होते हैं ना। इसके अंदर जो मसला आता है ना, मसला ये आता है साल भर पे 20 रिकॉर्ड पे आपने 20 रिकॉर्ड है उसको आपने 10 जगह डिवाइड किया, दो कॉलम बन गए, आपने दो पेजेस ना दिए, सेकंड क्लिक पे आपने उसके 10 रिकॉर्ड। सही है, जो मसला आता है सॉर्टिंग में, जो आप सॉर्टिंग करते हैं आपको फिर शुरू से फर्स्ट रिकॉर्ड से शुरू करना पड़ेगा। ये तो है, अगर मैं मिसाल तौर पर तीसरे पेज पे हूँ, तीसरे पेज पर अगर मैं सॉर्टिंग क्लिक कर दी है अब तीसरे पे ही रहने के लिए उसमें क्या लॉजिक। अगर आप सिर्फ पार्शल वाले पे करना चाहते हैं, पार्शल पे करना, अगर मैं सॉर्टिंग अप्लाई करता हूँ और ओवरऑल पे करता हूँ और फिर मेरे से मतलब ये ग्रिड सारी आएगी फिर मेरा डाटा वो सारा उधर से उसको तीसरे के लिए कॉल भी करता हूं, वो जेनेरिक नहीं बनते हैं। उसके लिए क्या करना, उसके लिए बेसिकली हम ये कर सकते हैं।